हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और खूब सारा मटर एंजॉय कर रहे होंगे। मटर तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी सीज़न मटर का ही चल रहा है और ख़त्म भी होने वाला है। तो अभी क्या है, मटर पहले सस्ती थी, अभी थोड़ी महंगी भी हो गई क्योंकि अब जा रहा सीज़न, तो फिर थोड़ी महंगी हो चुकी है। पहले यहाँ 30 रुपये किलो थी, अभी 50 रुपये हो गई है। तो मैं 3 किलो ख़रीदा था तो फिर 150 के बजाय 140 रुपये में दिए थे भैया, मतलब 10 रुपये छोड़े थे 3 किलो में। तो फिर अब वही है कि सीज़न जा रहा है, लेकिन हाँ ये है अभी भी टेस्ट मतलब मटर में बहुत अच्छा है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा एकदम मीठा मीठा मटर है। तो अभी मन करता है इसका बना के कुछ भी खाने, जैसे आप घुघरी बना के खा लिए, निमोना बना के खा लिए, तो ये सब सीज़न बहुत मतलब अच्छा लग रहा है अभी खाने में। कुछ ही दिन बाद फिर ये चला जाएगा, फिर मोटा वाला सूखा सूखा जो मटर होता है वैसा हो जाएगा, तो फिर उतना खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए फटाफट हम लोग मिलकर सुबह सुबह मटर छील लिए, बंच चला गया था स्कूल और फिर थोड़ा इनके पास टाइम था तो हम लोग बैठ के एक साथ मटर फटाफट छील दिया। फिर देखिए हम लोग गए थे लुलू मॉल, तो वहाँ से लाए थे बेबू के लिए कलर, तो ये अभी कलरिंग करने बैठेंगी। तो इन्होंने बोला मम्मा जो मैंने कलर लाया था निकालो, तो उनके लिए कलर निकाल के दे दिया है। और फिर इसके बाद ये देखिए डायरी है, ये छोटी सी डायरी है 10 रुपये की, तो वो ले लिया था। और एक वंश के लिया था, ये पंचिंग मशीन है, प्रोजेक्ट में अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है उनको पंचिंग मशीन की, तो फिर सोचा था परचेज कर लेंगे, तो उस दिन वहाँ सामने दिख गया तो ले लिया। और ये जेलपेन का पूरा सेट वंश ने ले लिया क्योंकि उनको स्कूल में ना जेलपेन से लिखना होता है, तो उसी से वो लिखता है, तो ले लिया था पूरा सेट। और ये मैंने अपने डायरी ले लिया था, इसका प्राइस है 40 रुपया, लेकिन अच्छा था। लेकिन मैंने गलती यहाँ कर दिया ना कि मैंने 2 ही डायरी लिया जबकि मुझे 3 लेना चाहिए था। इस चक्कर में क्या हुआ कि मैं अपनी डायरी से हाथ धो बैठी, एक वंश ले लिया, एक बेबू ले ली। और फिर ये देखिए ले लिया था मैंने ग्लव्स किचन में काम करने वाने के लिए, लेकिन उतना यूज़फुल हमको लग नहीं रहा क्योंकि जिस हिसाब से इसका प्राइस 180 रुपये का था, लेकिन उससे अच्छा तो टॉवेल लिया भाई, दोनों हाथ से पकड़ो उठा लो कोई भी चीज़। लेकिन ये फ़िलहाल ले लिया है, कुछ यूज़फुल होता है, कुछ उतना यूज़फुल नहीं भी होता चीज़ें जब हम लेते हैं। और यहाँ देखिए मैंने लिया था अरहर की दाल, वहाँ पर दाल देखा तो मुझे याद आया दाल मेरा ख़त्म होने वाला है, तो मैंने अरहर की दाल 2 पैकेट ले लिया था और एक ले लिया था सॉस का पैकेट। बस इतने हम लोगों ने शॉपिंग किया था वहाँ पर, क्योंकि शॉपिंग का कुछ पर्पज़ ऐसा था नहीं, लेकिन वही है जब हाइपर मार्केट गए घूमने तो कुछ ना कुछ दिख जाता है ना, तो मन करता है अच्छा चलो ये ले लो वो ले लो, याद भी आता है कुछ, अच्छा है ये ख़त्म हो रहा वो है। लेकिन एक्चुअल में ना हमको अचार लेना था और वहाँ ध्यान बिल्कुल नहीं आया था कि अचार ले लें, जबकि वहाँ हाइपर मार्केट में वहाँ पर अचार बहुत वैरायटी का मिलता है, आप कोई भी अचार ले सकते थे, लेकिन वहाँ ध्यान बिल्कुल नहीं आया। जब वहाँ से वापस आ गया ना तब याद आया क्योंकि मेरे पास अचार भी ख़त्म हो रहा है, दीदी आई थी अचार बनाई थी वो ख़त्म होने वाला है, तो याद आया कि काश यहाँ से मतलब अचार ले लिए होते ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन फिलहाल चलिए फिर कभी जाएंगे तो ले लेंगे। और यहाँ देखिए फिर बेबू पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं, तो हमने सोचा चलिए ताज़ा ताज़ा मटर छील लिए सुबह सुबह, तो बनाते हैं निमोना चावल, क्योंकि निमोना ना हमारे घर में सबका फेवरेट है। तो यहाँ देखिए मैंने काट लिया है आलू और छिला हुआ है मटर हमारे पास। और अभी क्या है ना कि लहसुन का पत्ता भी आ रहा है मार्केट में खूब सारा, लहसुन का पत्ता, धनिया का पत्ता, तो बस निमोना बनाने के लिए इतनी ही ज़रूरत पड़ती है, ताज़ी मटर बिल्कुल चाहिए, मटर चाहिए। और यहाँ देखिए सूखे मसाले में हमने ले लिया है हींग और 2 बड़ी ले लिया घर का बना हुआ, जीरा और हल्दी और 2 तेज़पत्ता ले लिया है। बस इतने ही मसाले से पड़ते हैं, ज़्यादा मसाला डालना नहीं है, ज़्यादा ताम झाम भी नहीं है, थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें नमक डालना है कम ज़्यादा जिसको जितना पसंद है। तो बस मैंने फटाफट जो धनिया का पत्ता था उसको अच्छे से वॉश वॉश कर लिया था और लहसुन के पत्ते को भी छील लिया था, जो ऊपर का पीला पीला हो जाता है उसे हटा लिया था, बाकी धूल उल के एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रख दिया था। और थोड़े से हम लोगों ने मिर्ची 4-5 मिर्ची ले लिया था क्योंकि ज़्यादा तीखी मिर्ची थी नहीं, वैसे छोटे छोटे थे सब, उतना ले लिया। और बस इसको पीस लेंगे और इसके बाद जो इसका पेस्ट बनेगा वही मैंने इसमें पड़ेगा, तो चलिए इसको बना लेते हैं पेस्ट। और इसके बाद फिर देखिए पेस्ट रेडी हो गया मेरा, अब इसके बाद हमको पीसना है मटर, बहुत ज़्यादा मतलब उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही रखना है, तो वैसे ही मटर इतना सॉफ्ट है ना कि फटाफट पीस जाता है, तो बस थोड़ा सा इसको घुमाएंगे और उसके बाद मेरा देखिए मटर भी रेडी हो जाने वाला है। तो चलिए मटर को कर लेते हैं हल्का सा दरदरा कर लेते हैं। तो देखिए इधर मेरे मटर भी हो गई पिस गई, तो देखिए इसमें कुछ कुछ खड़े खड़े हैं, तो अगर ये सिलबट्टे पीसते ना ज़्यादा बेटर था, लेकिन अब सिलबट्टा कौन रखता है और इतना फुर्सत ही नहीं होता पीसने का, तो मिक्सी भी काफ़ी मतलब बेटर है ऑप्शन। तो देखिए मैंने लिया कढ़ाही, इसमें डाल दिया तेल सरसों का, थोड़ा सा डाल दिया हींग, तेल गर्म होते हींग डाल दिया, फिर तेज़पत्ता डाल दिया, उसके बाद घर की जो बड़ी है वो डाल दिया,
और उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने जीरा और थोड़ी सी इसमें हल्दी थी वो भी ले लिया था। और फिर इसके बाद जो है इसमें डाल देंगे जो मैंने मसाले पीसे थे अभी, वो लहसुन पत्ता धनिया पत्ता मिर्ची वाला वो डाल देंगे। उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। तो चलिए इसको फटाफट भूनते हैं बढ़िया से। और उसके बाद जैसे ये थोड़ा भुना जाएगा तो इसमें डाल देंगे जो हमने पीसा था अभी मटर, मटर को उसको डाल देंगे। फिर उसको थोड़ा अच्छे से भूनना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंटली इसको बनाना पड़ता है। अगर अच्छा से भुना नहीं है तो उसमें वो जो टेस्ट होना चाहिए ना वो नहीं आएगा, थोड़ा कच्चापन सा लगेगा। चलिए इसको भूनते हैं आराम से। और इसकी खुशबू जब तक नहीं आती है ना तब तक इसको भूनना पड़ता है। बस इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं भूनना है, धीमी आंच पे भूनना है। बीच में तेज़ कर दीजिए हल्का हल्का और चलाते रहिए, और फिर धीमा कर दीजिए अपने हिसाब से। देखिए कि ज़्यादा अगर कहीं से पकड़ो कट रहा है तो थोड़ा धीमा कर दीजिए, इस तरह से धीमा तेज़ करते हुए चलाते हुए। और उसमें अपना जो आलू आपने काट के रखा था हम वो भी डाल देंगे, और फिर इसमें थोड़ा डाल देंगे नमक, जिससे कि ये जो है पकड़े नहीं नीचे से और ये फटाफट गल भी जाए। तो देखिए मैंने नमक भी डाल दिया, आलू भी डाल दिया। अब इसको आराम से भूनेंगे, धीमी आंच पे भून रहे हैं। और बीच में जब लगता है कि नहीं ठीक है, इसे थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं तो तेज़ भी कर देते हैं। इसे कोई बहुत ज़्यादा वैसा मेथड नहीं है कि धीमी आंच पे ही करना है या फिर तेज़ आंच पे, बस इसके अपने हिसाब से मैनेज करना होता है। और फिर इसके बाद देखिए इसको भून रहे थे तो मुझे लग रहा था ना नीचे हल्का सा पकड़ सा रहा है, काफ़ी टाइम मतलब हो गया था भूनते हुए करीब 10 मिनट, तो मुझे लगा थोड़ा सा नीचे से शायद पकड़ रहा है। तो मैंने इसमें डाल दिया ऊपर से थोड़ा सा घी। जब घी ऊपर से डाल दीजिएगा ना तो एक तो नीचे जो पकड़ रहा होता है वो नहीं पकड़ेगा, और दूसरा है इसमें मतलब एक ना अच्छी वाली स्मेल आने लगती है, तो खुशबू बहुत अच्छी सी आती है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया। फिर चलिए इसको आराम से भूनते हैं। और इसका मेन जो निमोना का काम है ना, इसमें भूनने का ही मेन मतलब इसका जो मेन ट्रिक है भूनना ही है। अगर अच्छे से नहीं भुनाएगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए इसको आराम से आहिस्ता आहिस्ता भूनिए, धीमा करके अपना कुछ काम भी करते रहिए साथ साथ में, ऐसा नहीं कंटिन्यू चलाते ही रहना है। तो मैं भी वही करती हूँ, धीमा कर देती हूँ, बीच में चलाते रहती हूँ, और कुछ काम होता है तो उसको करते रहती हूँ, क्योंकि बच्चे भी छोटे तो कुछ ना कुछ उनका काम भी आते रहता है तो वो भी देखती रहती हूँ। और इसी तरह से इसको धीमी आंच पे भूनते रहते हैं। देखिए मेरा अच्छे से भुना गया था, इसमें अच्छे से खुशबू निकलने लगी थी, तो मैंने इसमें 1 जार भर के पूरा पानी डाल दिया। थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा मैंने बाद में और डाल दिया, इसमें और पानी ऐड कर दिया, क्योंकि इसको ना थोड़ा पतला ही अभी बनाना है, क्योंकि जैसे जैसे पकता रहेगा ना वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा। इसमें बाद में मैंने इसे पानी और बढ़ा दिया था, मुझे थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था अभी, क्योंकि अभी से गाढ़ा रहेगा ना तो पकने के बाद बहुत ज़्यादा वो इसकी जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वैसे भी चावल के साथ खाना ना तो थोड़ा सा पतला पतला ही अच्छा लगता है। तो फिर देखिए इसको ज़्यादा कुछ अब करना नहीं है, इसको बस चला उला के अच्छे से और इसको ढक देना है। और फिर इसके बाद इसको तेज़ आंच पे भी रखना है, क्योंकि एक उबाल आ जाए तो उसके बाद फिर इसको धीमा करके छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ एक उबाल आ गया, तो बस मैं इसको थोड़ा चला उला दूँगी। थोड़ा सा मैं ना इधर उधर हो गई थी, कुछ और काम में चली गई थी तेज़ करके, और थोड़ा सा बहने वाला था पर बच गया। और फिर क्या करना है इसको धीमा आँच पर करके छोड़। तो फिर देखिए बीच बीच इसको वाकई चला लेना है, देख लेना है कि क्या अभी मतलब इसमें प्रोसेस मतलब कितना तक पहुंचा पकने के। तो देखिए मैं बीच में आके आलू चेक कर रही थी कि आलू पक गया कि नहीं, उसे पता चल जाएगा कि आपका निमोना रेडी है कि नहीं। तो फिर हल्का सा मुझे लगा था थोड़ा सा अभी टाइट है, तो हल्का सा और पकाना है, बाकी मेरा निमोना रेडी है। तो फिर मैंने चावल पका लिया है और निमोना मेरा रेडी होने वाला, तो बस निमोना रेडी हो जाए उसके बाद चावल गर्मा गर्म चावल के साथ निमोना इन्जॉय किया जाएगा, खाया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आज जो है मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, यहाँ बारिश हो रही है, और इसे दिखाते हैं हमारे यहाँ पर सोसाइटी में कम्युनिटी हॉल है, मम्मा वहाँ पर शादी हो रही है, चलिए दिखाते हैं ना जो हमारे छत पे बालकनी से। मम्मा नीचे में पूरा काला काला हो गया, हाँ देखिए बारिश नीचे बारिश कितनी तेज हो रही है, काला काला हो गया, बारिश है बेटा पानी है, और बहुत अच्छी अच्छी सोनी सोनी खुशबू आ रही है। और वहाँ देखिए कम्युनिटी हॉल, एक बार कैमरामैन, कम्युनिटी हॉल ये है, यहाँ अंदर में शादी हो रही, देखिए आग जल रहा है वहाँ पर, हल्का हल्का दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर देखिए बैंड बाजा जो बज रहा है, देखिए क्या कह रहे हैं कि आज मतलब यहाँ पर शादी हो रही, बारिश हो रही, तो हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं कि अगर आप कढ़ाई में खाना खाएं तो ही शादी में बारिश होती है, मतलब ये लोग मतलब ये लोग कढ़ाई में खाना खाए हैं, कढ़ाई में खाए कि प्लेट में खाए, और अगर इन्होंने प्लेट में खाया होगा तो आज ये बहुत बड़ा टूट जाएगा। बारिश को कोई नहीं काट रहा है, काट रहा है, दिखाओ कार्ड, दिखाओ पहले बेबुक मन है जाने का शादी में, उधर बोलो कैमरा में बोलो, कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ पहले, कार्ड है।
तो देखिए बालकनी से होके अब आ जाते हैं, उधर शादी ब्याह हो रहा होने देते हैं, अपना निमोना तब तक चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी इसमें कसर बाकी थी पकने में, आलू हल्की सी कच्ची थी, तो अब चेक कर लेते हैं पक गया कि नहीं। अब तो पका हुआ लग रहा है, बिल्कुल पक गया है। तो चलिए बस गर्मा गर्म निमोना और चावल सर्व कर देते हैं और सब लोग खाते हैं निमोना चावल। तो देखिए मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ थोड़ा सा और इसको चावल के साथ पहले देती हूँ इनके पापा को खाने के लिए और फिर बताएंगे कैसा है। वैसे निमोना चावल हमारे घर में सबको पसंद है, आप लोग भी बनाइए ट्राई करिए। वैसे यूपी में तो हर घर में बनता है, बाकी यूपी के बाहर अभी बहुत मतलब कम लोग ही बनाते हैं, और बनाते हुए तो बहुत सारे तरीके से बनाते हैं, बहुत सी सब्जियां डाल के प्याज टमाटर सब डाल के बनाते हैं, पर अगर प्लेन जो होता है ना उसका टेस्ट बिल्कुल मतलब अलग ही होता है। बस गर्मा गर्म निमोना निकालिए, चावल निकालिए और निमोने के ऊपर डाल दीजिए घी और फिर देखिए निमोने का टेस्ट कितना अच्छा आ जाएगा। तो चलिए गर्मा गर्म निमोना चावल इंजॉय किया जाए, खाया जाए, आप लोग भी बनाइए और खाइए। सीजन जाने वाला है इसलिए जितना हो सकता है अभी बना के खा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, अपना ध्यान रखिए।